हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, ये एक सर्विसिंग की वीडियो होने वाली है। तो आपने थंबनेल से देख लिया होगा एंड टाइटल से, एंड अभी हमारी जो एचपी की सीरीज चल रही है, तो अभी आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है एयर फिल्टर की। फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर स्क्रीन में आईडी आ रही होगी, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, एंड जो चैनल की अबाउट सेक्शन रहती है उसमें भी आपको मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, एंड बेल के आइकन को दबा ले, एंड वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, पहले ही लाइक कर दे क्योंकि वीडियो अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए गाइस, आज की हमारी वीडियो होती है पर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी 45 प्लस एयर फिल्टर जो कि मैंने परचेज करी 65, एंड ये मैं जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग है 9/2018। तो आप ये देख सकते हैं ये इसकी एयर फिल्टर है। तो मैं आपको इसकी एयर फिल्टर दिखा देता हूँ, ये है इसकी एयर फिल्टर। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी एयर फिल्टर निकालेंगे, ये वाली नट बस ओपन करनी है, नीचे की जो दो नट रहती है वो, जैसे कि ये फर्स्ट नट, यहाँ पे ये एक और नट रहती है जो कि मेरे भी लगी नहीं है, वाली नट और ये वाली नट, दोनों नट ओपन करते हैं। ये वाली फर्स्ट नट ही ओपन करते हैं एंड सेकंड अंदर वाली, एंड फिर आपकी एयर फिल्टर जो ये बॉक्स है ये ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी एयर फिल्टर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं इसमें अब नई वाली, ये वाली इंस्टॉल करने वाला हूँ। परफेक्ट फिटिंग है दोनों की। तो चलिए अब पहले इसकी इस कवर को भी निकाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लें। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये वाली हमारी जो एयर फिल्टर है ये पूरी गिर चुकी है, एंड अब मैं इसे रिप्लेस करने वाला हूँ। तो अब हमें ये जो मैंने परचेज करी है, अब इसे इस तरीके से इसे ओपन करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं न्यू वाली एंड ओल्ड वाली, तो ये एकदम परफेक्ट है, जिससे आपकी एयर फ्लो भी अच्छी होगी और आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी। पहले इसे क्लोथ से क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली इसकी एयर इनटेक की से जो पाइप रहती है इसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेनी है। आपको ये वाली इसकी जो जाली टाइप की रहती है इसे भी अच्छी तरीके से कर, एंड ये वाली इसे भी क्लीन कर लेनी है। अब हमें इसमें इसे कुछ इस तरीके से लगानी है, एंड इसके बाद अब हमारी रहेगी एयर फिल्टर। ये देख सकते हैं ये परफेक्ट फिटिंग आ रही है इसमें, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी, एंड इसके बाद आपको इसकी ये वाली जाली लगा लेनी है कुछ इस तरीके से, जिससे कोई अच्छी पैकिंग बन जाए। आप ये देख सकते हैं ये परफेक्टली फिट हो चुकी है इसकी पूरी नट, एंड ये वाली है हमारी पुरानी वाली एयर फिल्टर, मैं इसे रख लूँगा, ये काम तो वैसे आने वाली नहीं है पर कुछ और दूसरी काम आ सकती है। अब हम इसे वापस इसके इस नट को बस टाइट करना है ये अपनी कार्बोरेटर में, एंड अपनी ये वाली नट लगानी है यहाँ पर की, बस इसे कर लेता हूँ। हमें इसे फिट करना है तो आपकी ये कुछ इस तरह से प्लेसमेंट होगी, एंड गाड़ी बिन विदाउट एयर फिल्टर के कितनी क्लीन लगती है, एकदम खाली खाली। तो अब हमें इसे कुछ इस तरह से इसके हो सकता है, इसमें इस तरह से कुछ बैठाना है,
एंड जस्ट इसे क्लैंप को कुछ इस तरह से टाइट कर देना है, बस इतना सा काम है इसका। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, एंड ये वाली जो पाइप रहती है वो यहाँ पर ये आ जाएगी ये कुछ इस तरह से। तो आप ये देख सकते हैं ये फिट हो चुकी है। देख सकते हैं एयर फिल्टर की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है, एंड आप इसके अंदर की साइड भी दिखा देता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, परफेक्ट फिट है। आई होप गाइस आपने वीडियो देख लिया है एंड आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा। अगर आप अभी तक लास्ट एंड मोमेंट तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ जिसे भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के, क्योंकि वहाँ मेरी वीडियोस की अपडेट्स आती रहती है। एंड फेसबुक में भी मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं दीपक नोटिफिकेशन, आपको यहाँ स्क्रीन में आईडी आ रही होगी फेसबुक इंस्टाग्राम की, एंड आपको लिंक मिल जाएगी जिस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहती है उसमें आपको मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। तो आज की हमारी जो वीडियो थी ये थी एयर फिल्टर की। तो मैंने ये एयर फिल्टर इसमें जो लगाई है ये 65 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी, क्योंकि मैंने इसे जेन्युइन लगाया, क्योंकि आपको भी जेन्युइन यूज़ करना चाहिए अपने व्हीकल से, क्योंकि उसमें कोई भी आपको अतर नहीं चाहिए वो फट वट जाती है, इस कारण जेन्युइन अच्छी रहती है। क्योंकि मेरी गाड़ी को अभी अराउंड 10 इयर्स होने वाले हैं, एंड ये वाली जो फिल्टर थी वो 10 इयर्स लगी हुई थी, उसे चेंज नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने इसे चेंज किया। फिर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप भी अपने गाड़ी के कुछ भी अगर पार्ट्स लगाते तो जेन्युइन लगाएं, क्योंकि जेन्युइन लाइफ लॉन्ग रहती है एंड लॉन्ग लास्टिंग ये वर्क करती है। तो चलिए गाइस आज की हमारी वीडियो होती है क्लोज। तो राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।